नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों विशेष धर्म के व्यक्ति द्वारा सफाई कर्मचारियों को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर तमाम संगठनों द्वारा थाने पर आपत्ति लेकर प्रकरण दर्ज कराया था। पूरा मामले में पुलिस ने टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कर दिया। दरअसल लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के बयान जारी हो रहे हैं और इसी के तहत चंदन नगर थाना क्षेत्र से भी एक वीडियो विशेष धर्म के व्यक्ति का वायरल हुआ था, जिसका नाम शादाब खान है और उसके द्वारा एक आयोजन के दौरान सफाई मित्रों पर कई तरह की टिप्पणियां की गई थी, जिसमें कचरा फेंकने को लेकर बहन बेटियों को मनाई करने की बात भी कही गई थी। इसके बाद वीडियो वायरल होने के चलते पूरे मामले में शादाब खान द्वारा एक माफीनामा का वीडियो भी वायरल किया गया और उसने उसमें माफी मांगी थी। पूरे मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है, तो वहीं दूसरी ओर धारा 151 के तहत जेल की सलाखों के पीछे कर दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो 8 से 9 महीने पुराना है। देखिए, परसों के दिन हमारे थाने में चंदन नगर में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। ऑडियो वीडियो विजुअल वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सफाई कर्मचारियों के संबंध में कुछ अशोभनीय टिप्पणी कर रहे थे। उस प्रकरण में शादाब नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई कर कल उन्हें जेल दाखिल करा दिया गया है। सर, क्या कारण था इनका, किस तरीके का इन्होंने वीडियो में? देखिए, वो उनका ऐसा कहना था कि सामाजिक तौर पर वो अपनी बात कह रहे थे कुछ लोगों के सामने और ज़्यादा उत्साह में उस तरह की बातें निकल गई। उसके संबंध में उन्होंने एक वीडियो, माफ़ी का वीडियो भी डाल रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उनका यही कहना था कि गलती से ऐसा हो गया, आगे इस तरह की चीज़ नहीं होगी। सर, किस प्रकार की कार्रवाई करके सर आरोपी? देखिए, प्रकरण जो पंजीबद्ध हुआ था उसमें प्रकरण में उनकी ऐसा वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा धारा 151 में उनको जेल भेजा गया। ये वीडियो करीबन 7-8 महीने पहले का है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और